हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल दिनेश सर यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 पॉइंट स्टैंडर्ड का जो ज्योमेट्री है चैप्टर नंबर थ्री सर्कल ये हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा था 3.1 के बेसिक 3.1 के लिए बेसिक्स देखे थे हमने पूरे चैप्टर के 3.1 के लिए थियरम देखे थे थ्री के अंदर टोटल क्वेश्चन है वन टू थ्री एंड फोर फोर क्वेश्चन हैं एंड इसमें से हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट लेक्चर में देखा था थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट थ्री पॉइंट वन सर्कल चैप्टर का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कैसे करना है देखो आपकी टेक्स्ट बुक आप लेते हो प्रैक्टिस सेट थ्री पॉइंट वन इसमें इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है तो ये जो डायग्राम है ये आपको हमेशा बनाना चाहिए ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर शुड वी ड्रॉ एवरी डायग्राम तो अगर आपको कोई क्वेश्चन वन या टू मार्क के लिए है डायग्राम की जरूरत नहीं है सो so नहीं बनाए तो चलेगा बट अगर कोई क्वेश्चन थ्री या फोर मार्क के लिए आता है एंड प्रूफ वाले क्वेश्चन अगर होते हैं जैसे ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो डायग्राम बनाना चाहिए बिकॉज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी आर गोइंग टू प्रूफ द गिवन थिंग जो टू प्रूफ करने बोला है उसके लिए डायग्राम का यूज करने वाले है सो so अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो समझोगे कैसे Okay? So, ज्योमेट्री में कोशिश करो डायग्राम हमेशा बनाने की करने का मैक्म टाइम डायग्राम बनाना ज्योमेट्री इज नॉट पॉसिबल विदाउट फिगर्स ओके सो ये आपका डाउट क्लियर किया वन मार्क के कुछ क्वेश्चन होंगे या टू मार्क तो के तो डायग्राम की जरूरत नहीं होगी तो नहीं करने का ओके okay? सो so, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे थर्ड क्वेश्चन इट इज गिवन इन थियरी फॉर्मेट दैट तो क्वेश्चन है जब भी याद रखो जोमेट्री के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन होता है कि वैल्यू फाइंड करना फाइंड द वैल्यू ऑफ या तो कैलकुलेशन वाला वा कुछ क्वेश्चन होगा एरिया फाइंड करो रेशियो फाइंड करो तो उसके लिए सीधा कैलकुलेशन आप सॉल्यूशन ऊपर लिखते हो सॉल्यूशन गिवन वैल्यूज डेटा लिखना और उसके बाद फॉर्मूला यूज करके फॉर्मूले में रख देना बट दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है ज्योमेट्री के अंदर वो होता है प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्योमेट्री के अंदर जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे बच्चों को तो डर लगता है गुस्सा आता है ऐसे गिवन टू प्रूफ प्रूफ देख लिया तो एकदम डर जाते हैं तो यहां पर आपको बता दूं कि ज्योमेट्री के अंदर जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग के थ्री थ्री चैप्टर्स में ही है चैप्टर नंबर वन टू एंड थ्री स्टार्टिंग के जो थ्री चैप्टर्स है उसके अंदर ही प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसके बाद में आपको प्रूफ रेयरली कहीं देखने मिलेगा क्योंकि इसके बाद का जो फोर्थ चैप्टर है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है फिफ्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है फिर सिक्स ट्रीगोनोमेट्री है फिर सेवेंथ जो मैंसुरेशन है तो वहाँ पर प्रूफ वाले क्वेश्चन कहीं है ही नहीं हाँ मैंसुरेशन में एखा मिल सकते हैं तो आप डरो मत बहुत आसान है और कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए अभी सर्कल के अंदर आपने लास्ट टाइम क्या देखा था कि कोई भी अगर सर्कल इफ यू हैव एनी सर्कल एंड टेंजेंट इज देयर ओके तो यहां से अगर कोई रेडियस ड्रॉ किया जो टेंजेंट के टचिंग पॉइंट पे मिलता है सो वी हैव अ टेंजेंट थ्योरम व्हाट इज दैट टेंजेंट थ्योरम रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम ये हर बार यूज होगा ठीक है दूसरा एक थ्योरम आपने देखा था कि इफ देयर इज एनी सर्कल एंड वी हैव अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इफ यू विल ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड ओके ये रब ये डायग्राम बना रहा जो बाहर पॉइंट है पी यहां से इस सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करते तो ये दोनों इक्वल होता है दे आर कॉन्ग्रुएंट और सेम लेंथ ओके सो इसको बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थियरम क्या बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थियरम इसको बोलते हैं टेंजेंट थियरम ये दो थियरम थ्री पॉइंट वन के लिए और आगे के चैप एक्सरसाइज से प्रैक्टिस सेट के लिए भी यूज होने वाला है वट इज दिस टेंजेंट थियरम सिर्फ टेंजेंट थियरम ये टेंजेंट थियरम क्या बोलता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ये क्या है टेंजेंट सेगमेंट थियरम इसको एकदम दिमाग में फिट कर लो ये हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखा था इसका यूज अभी यहां पर भी हम लोग इसका यूज करेंगे अभी तक दो ही थ्योरम पढ़ा है आगे अभी और भी थ्योरम पढ़ेंगे अभी मैं क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको बताता हूँ कैसे करना चाहिए ये जो थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन है पर टेक्स्ट बुक क्या क्या दिया प्रूव 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 दैट करो क्या करने बोला है? देखो अभी जो क्वेश्चन नंबर थ्री है इसको प्रूव करने के लिए जो डेटा दिया है ना आपको क्वेश्चन में उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन प्रूफ वाला है प्रूफ वाले क्वेश्चन को हमेशा सबसे पहले गिवन लिखना है इस तरह से गिवन टू प्रूफ देन प्रूफ लिखना होता है याद कर लो थ्री स्टेप गिवेन टू प्रूफ एंड प्रूफ ये कब कब लिखना जब वैल्यू फाइंड करना होगा तब नहीं करना जब भी प्रूफ करने बोलेगा तब ये हम लोग करते हैं ओके okay? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें जो डेटा दिया हुआ था गिवन सेव आर एम एंड सेन आर टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ तो वो हमने गिवन में लिख दिया इसका मतलब आर एम और आर एन है ना ये आर एम आर एन ये टेंजेंट सेगमेंट है टेंजेंट है अभी इसके बाद प्रूफ क्या करने बोला है? देखो लास्ट में प्रूफ दैट लिखा ना प्रूफ दैट उसके बाद का पूरा लाइन लेने का प्रूफ प्रूफ दैट को टू प्रूफ में लिखना कांगल तो कैसे करेंगे देखो एकदम ध्यान से देखो गिवेन टू प्रूफ लिख दिया नाउ यू विल राइट प्रूफ प्रूफ लिखना है तो ये तीन स्टेप है याद रखो इतना करना चाहिए डायग्राम राइट साइड में ड्रॉ करना कैसे प्रूफ करेंगे देखो यहाँ पर एंगल एम आर एन और एमओ एन है कहाँ पर पहले वो देखो सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें डेटा क्या दिया है और प्रूफ क्या करना है डेटा क्या दिया प्रूफ क्या करना है बहुत आराम से बताऊंगा स्लो बताऊंगा अच्छे से बताऊंगा समझ में आएगा टेंशन मत लो अब सबसे पहले देखो प्रूफ क्या करना है ओ आर वेर इज ओ आर फ्रॉम दिस पॉइंट ओ टू दिस पॉइंट आर ओ आर इज देयर दिस इज अ सेगमेंट ओ आर एंड बाइसेक्स एंगल एम आर एन कहाँ पर है देखो एम आर एन ये जो पूरा एंगल है इसको बाइसेक करता है बाइसेक करता मतलब क्या ये जो ओ आर है ओ आर दिस लाइन दिस सेगमेंट बाईसेक्स दिस एंगल ये पूरे एंगल को बाइसेक कर रहा है बाइसेक करना मतलब होता है आधा आधा करना मतलब कोई टेन है तो फाइव फाइव करना हंड्रेड है तो फिफ्टी फिफ्टी करना बाइसेक करना मतलब फिफ्टी फिफ्टी करना टू बाइसेक मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल हाफ या टू इक्वल पार्ट्स तो ये जो सेगमेंट ओ आर है वो इस एंगल को हाफ ऑफ कर रहा है अगर इसको फिफ्टी फिफ्टी करेगा तो ये वाला जो एंगल है और ये एंगल सेम हो जाएगा अगर समझो ये हंड्रेड है या सिक्सटी है तो ये थर्टी थर्टी हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा दोनों सेम हो जाएगा ओके okay. अगर ये जो ओ आर है वो इस एंगल को कौन सा एम ओ एन दिया ना एम ओ एन इस पूरे एंगल को अगर बाइसेक करेगा तो ये भी सेम सेम हो जाएगा समझ में आ रहा है तो अगर हम लोग को प्रूफ करना है कि जो ओ आर है वो इस एंगल और इस एंगल को बाइसेक करता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हम लोगों को वो प्रूफ करने के लिए ये करना चाहिए कि इस एंगल और इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो इस एंगल और इस एंगल को कांग्रुएंट प्रूफ कर दो तो कैसे करेंगे वो कांग्रुएंट वो सबसे पहले हम देखेंगे हमने यहाँ पर देखा प्रूफ क्या करना था दोनों को बाइसेक कर रहा है प्रूफ करना था उसके लिए मैंने क्या बताया इन दोनों एंगल को आप इक्वल आके दिखाओ तो ये वाला जो एंगल इसको इक्वल कैसे लाऊं और ये वाला एंगल इसको कैसे लाऊं तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमें दिया क्या डेटा प्रूफ क्या करना था वो देखा अब टेंजेंट सेगमेंट देखो ये आर एम और आर एन टेंजेंट है ये जो सर्कल है सर्कल के बाहर एक पॉइंट है इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए याद करो रिवाइंड करो दो दो थियरम देखा था हमने ये दोनों थियरम क्या था अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है उस पॉइंट से टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करते तो दोनों टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है कॉन्ग्रुएंट याद करो सेम सर्कल के बाहर एक पॉइंट आ रहे, वहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये और ये क्या हो जाएगा सेम ये दोनों टेंजेंट हो जाएंगे सेम तो यहाँ पर पहले तो लिखना कि ये जो दिया था वो लिखना सेग आरएम एंड सेग आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट्स ओके okay? ये दोनों से ये जो आर एम और आर एन है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया सेग RM कॉन्ग्रुएट सेग आर एन ये हो गया इक्वेशन नंबर वन देखा हमने क्या किया इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखाया ये इसको इक्वल है क्यों टेंजेंट है ना तुम लोग बाहर से आए हुए टेंजेंट है एक ही पॉइंट से तुम दोनों इक्वल होंगे क्यों ये रीजन रीजन लिखना जरूरी है लेकिन मैंने क्या बोला हम लोग को प्रूफ करना है ये जो पूरा एंगल है और ये पूरा एंगल है ये दोनों जो एंगल है उसके अंदर ये दोनों हाफ हाफ हो जाता है ये दोनों एंगल सेम ये दोनों दोनों को कॉन्ग्रोट लाना तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दो ट्राइंगल लेने वाले कौन से दो ट्राइंगल देखो ये ओ एम आर ओ एन आर देखना इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर कैसे लेना देखो ट्राइंगल का नाम थ्री लेटर से हमेशा ये देखो ये एक ट्राइंगल है ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है इसका नाम ऐसे लिया ओ एम आर ओ एन आर ओके okay, पैटर्न ध्यान से देखो दो ट्राइंगल का नाम लिया अगर तुमको ऐसा लगता है बच्चों ऐसे ओ एम ओ आर तो भी चलेगा एम ओ आर किया एन ओ आर करना यह तो ऐसे करना एम आर ओ अगर ऐसे लिया एम आर ओ ट्राइंगल एम आर ओ तो ऐसे लेना एन आर ओ कोई भी थ्री लेटर यूज करो बट दोनों ट्राइंगल का पैटर्न मत बदलो अभी ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर हम लोग किसी भी दो ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोग थ्री कंडीशन लेके आते हैं देखो थ्री कंडीशन के बाद ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग करते हैं ट्राइंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट ट्रैंगल ओ एन आर नाइन्थ में आपने सीखा था नहीं भी सीखा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है देखो कोई भी दो ट्राइंगल है उन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए थ्री कंडीशन चाहिए आपने देखा था एस 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 ए एस एस ए ए ये सारी टेस्ट देखा था हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम वगैरह ये सब ओके ए एस ए है ना असा सा सास, ट्रिपल एस और एक हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम इस तरह से था कोई भी दो ट्राइंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं तो इसमें से कोई एक टेस्ट फॉलो होना चाहिए नाइन्थ में सीखा था ना तो अभी देखो ये दोनों जो ट्राइंगल ओ एम आर और ओ एन आर है इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूँ थ्री कंडीशन है क्या उसके पास तो देखो सबसे पहली कंडीशन कि यहाँ पर देखो ये वाला जो है इसको इक्वल लाया हमने कहाँ से फ्रॉम वन ये देखो ये रेडियस है ओ एम इज वॉट रेडियस ऑफ दिस सर्कल सिमिलरली ओ एन इज ऑल्सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल ये जो ओ एम और ओ एन है दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है तो ये दोनों को रेडिया ऑफ सेम सर्कल देखो ये जो साइड है इसको सेम हो गया वन कंडीशन मिल गया ये वाला साइड इसको सेम हो गया दूसरा कंडीशन हो गया तीसरा कंडीशन कौन सा देखो अभी जो पहला था ना थियरम टेंजेंट थियरम याद आ रहा है क्या था कि सेंटर से अगर रेडियस ड्रॉ करते टेंजेंट को टचिंग पॉइंट पर टच करता है तो ये नाइनटी डिग्री एंगल होगा ठीक है यहां देखो ये यह क्या है रेडियस है और ये क्या है टेंजेंट रेडियस एंड टेंजेंट तो रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होगा पॉपेंडिकुलर होगा समझ में आ रहा है अभी देखो ये क्या है रेडियस ये क्या है टेंजेंट रेडियस इज पॉपेंडिकुलर टू टेंजेंट तो ये क्या हो गया ये एंटी हो गया ये फर्स्ट वाला टेंजेंट इम तो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ये ओ एम एम इस मतलब ये देखो अब पर क्यों लिखा है सिंगुलर होता है रेडिया प्लूरल होता है ना सेकेंड तो कंडीशन देखो ये साइड लिया साइड एंगल साइड मतलब देखो ये है सास, सास, सास बोले तो क्या साइड एंगल साइड देखो ऐसे साइड साइड एंगल नहीं ले सकते हैं. दो साइड के बीच का एंगल है तो एस दो साइड के बीच का एंगल है तो ध्यान रखना है इसको तो पहले ये साइड का नाम लिखा भी ये एंगल ओ एम आर एंगल ओ एम आर इस कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ एम आर इस कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ एन आर ओ एन आर तो क्या लिखेंगे बाय टेंजेंट थ्योरम बाय टेंजेंट थ्योरम क्या है टेंजेंट थ्योरम देखो ये वाला रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट तो ये टेंजेंट थ्योरम से हो गया ओके okay, अब ये दोनों का नाम बाद में लिखता हूँ दो कंडीशन आ गई एक रेडियस इस दूसरे रेडियस को हो गया ये नाइन्टी ये 90। अब ये देखो ये जो टेंजेंट है इसको इक्वल है ना ये लिखना आर एम सेग congruent इज seg आर एन सेग is इज to आर एन कहाँ से आया हमने ये पहले अलग से ही कर दिया था फ्रॉम वन ओके या तो अगर ये अलग से नहीं करते तो इधर भी लिखते तो भी चलता क्या लिखना पड़ता डायरेक्ट ये लिख के इतना नहीं करते तो भी चलता टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम हम रीजन में डाल लेते तो भी चलता था ये अलग से करने की जरूरत नहीं किया तो भी चलेगा नहीं किया तो सिर्फ ये रीजन यहाँ ब्रैकेट में दे देना आपके ऊपर है आप कैसे करते हो तो अभी देखो ये ट्राइंगल ओ एम आर एंड ट्राइंगल ओ एन आर है तो अब क्या करना है देखो ये जो ट्राइंगल ओ एम आर है ट्राइंगल ओ एम आर एंड को हटा के कॉन्ग्रवेंट करना ट्राइंगल दूसरा क्या है ओ एन आर ठीक है ये दोनों ट्रायंगल आ गया यहाँ पर क्या लिखोगे टेस्ट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएट हो गया किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर देखो ये दो ट्रायंगल है कोई भी दो ट्रायंगल है उसके अंदर अगर थ्री कंडीशंस इस तरह से मिलती है तो वो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुवेंट होता है तो ये ट्रिक है नाइन्थ में आपने सीखा रहेगा कोई भी दो ट्राइंगल एंड करके लिखना उसमें जो थ्री कंडीशन कांग्रुवेंट है वो लिखना फिर दोनों ट्राइंगल के बीच का एंड हटा के कांग्रुवेंट करना फिर ये कौन सा टेस्ट लगेगा साइड एंगल साइड टेस्ट साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी क्योंकि सिमिलैरिटी भी सीखा ना आपने तो दो होता है टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी तो इस तरह से ये हो गया अब हमने क्या देखा कि दो ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसका फायदा क्या तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अब ये जो चीजें हैं आपने तो देखी ली थी इसको हटा देता हूं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का जो थियरम टेस्ट है अलग अलग होता है याद रखना <laughs> अब कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है अब ये दोनों ट्राइंगल है कौन से देखो कौन से है दो ट्राइंगल ओ एम आर ओ एम आर देखो ये वाला ट्राइंगल है अपर ट्राइंगल और ये दूसरा ओ एन आर किधर है ओ एन आर देखो ये ट्राइंगल है ओके तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएट है तो कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं ना वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब क्या कि ये देखो इसका ये साइड इसको सेम है ये वाला साइड इसको सेम है तो ये वाला साइड अच्छा हम लोग यहाँ पर है ना एक दूसरा थियरम भी अप्लाई कर सकते थे अगर समझो ये नाइन्टी है और ये नाइन्टी नहीं पता है समझो हम लोग टेंजेंट थियरम नहीं यूज करते ये नाइन्टी पता ही नहीं है समझो तो हम लोग यहाँ पर ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये जो ओ आर सेग है ना सेग ओ आर यहाँ पर लिख सकते थे सेग ओ आर इस कॉन्ग्रुएट टू सेग ओ आर ओ आर ओ आर के ही बराबर हो सकता है ना ये दोनों ट्रैंगल के अंदर ये कॉमन साइड है मन टू बोथ देंगल तो यहां पर यह रेडियस इसको सेम हो गया ये बाहर वाला सेगमेंट इसको सेम हो गया और यह साइड इसको सेम क्वेश्चन कैन बी डन विद एंगल नाइंटी डिग्री विद यूजिंग दिस कॉमन साइड तो तीनों साइड आ गए सो ये यू विल राइट एस 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 टेस्ट फॉर कॉन्ग्रसी कोई भी टेस्ट अप्लाई करो चलेगा दोनों टेस्ट ओके okay है ओके okay. तो so, इस तरह से ये करना है यहाँ पर यह नाइनटी यूज कर सकते टेंज थम से या तो ये कॉमन से अब इसके अंदर देखो यहां पर हमने ये नहीं यूज किया ठीक है ये 90 और ये 90 दिखाया तो अब ये जो रिमेनिंग साइड है सेम रहेगा अभी देखो ये 90 90 इक्वल था दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रट थे तो ये बचे हुए एंगल अपने आप सेम हो जाएंगे ये जो एंगल है ना वो इसको सेम हो जाएगा ओके और ये जो एंगल है ना इसको सेम हो जाएगा सो आई विल राइट दैट एंगल एम ओ आर थोड़ा सा जगह में यहां से लिखता हूँ ओके

करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये होता है देखो कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर कांग्रुएंट हैं तो उसके करेस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएट होंगे अगर मैं बोलूँ कोई दो लड़के हैं दोनों जुड़वा है कांग्रुएंट है मतलब सेम टू सेम है उनकी हाइट सेम बॉडी सेम लुक सेम सब कुछ सेम कॉन्ग्रुएंट है तो ओके okay, तो उन दोनों के जो एक का ये हाथ होगा तो दूसरे का हाथ सेम ही होगा एक की नाक दूसरे की नाक सेम होगी समझ में आ रहा है ना अगर दोनों कांग्रोेंट है तो उनका हर एक बॉडी पार्ट सेम होगा अगर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रोेंट है तो उनका हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा जैसे इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये तो ये दोनों सेम होगा कांग्रोट होगा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये कांग्रोेंट होगा ये नाइन्टी तो ये भी नाइन्टी होगा ये साइड इसको इक्वल होगा ये साइड इसको इक्वल होगा ये मतलब समझ रहे हो सिक्स फैक्टर्स होते हैं ना वो तो ये आ गया अब देखो एम ओ आर ये एंगल इसको सेम है ये एंगल इसको सेम है मतलब कि जो ओ आर है इस पूरे एंगल को आधा आधा कर रहा है और इसको भी कर रहा है देर फोर सेग ओ आर ये जो सेग ओ आर है बाइसेक्स ये बाई सेक करता है जो ओ आर है बाई सेक करता है किसको एंगल ओ एम एम ओ एन एंड एंगल एम आर एन प्रूफ में देखो क्या लेना seg आ, है सेग आर एम प्रूफ इधर है सेग ओ आर बाईसेक्स एम आर एन एम ओ एन एंगल बाई सेक्स एंगल एम आर एन मतलब एम आर एन इस एंगल को बाइसे करता है एंड एंगल एम ओ एन ओके ये हो गया और यहाँ लिखना hands -proof, hands -proof, बस इतना ही करना है उसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया इसको मैंने एस ए एस टेस्ट कर दिया आपको लगता है कि ये एंगल मुझे नहीं दिखाना है तो आप ये कॉमन साइड ले सकते हैं दोनों ट्रैंगल में ये इसको सेम ये इसको सेम और ये साइड जो है ना ये दोनों ट्रैंगल में कॉमन है कॉमन साइड टू बोथ द ट्राएंगल

ट्राइंगल्स तो इस तरह से होता है ये जो क्वेश्चन नंबर थ्री था बहुत ही इंपॉर्टेंट था ओके okay, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की फिर भी आपको नहीं समझा होगा तो इस वीडियो को रिपीट करके वापस से देखना इसको कॉपी कर लो स्क्रीन भी ले लो पहले ठीक है अभी थर्ड क्वेश्चन तो हो चुका है चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर जस्टिफाई योर आंसर क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल तो एक सर्कल है इस तरह से देर इज अ सर्कल लाइक दिस ये इस तरह से एक सर्कल है ओके okay. आप लोग सर्कल के लिए क्या करो पता है एक मार्केट में स्टेंसिल आती है स्टेंसिल जोमेट्रिक स्टेंसिल बोलते हैं जिसको वो स्टेंसिल खरीद लो इस तरह का स्टेंसिल होता है ऐसा रहता है स्टेंसिल सर्कल छोटा बड़ा ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल पैरलोग्राम स्क्वेर रेक्टेंगल ऐसे uh, सब होता है उसके अंदर उस टेंसिल ऐसे रखने का और फटाफट तुम लोग सर्कल और रेक्टेंगल सब फटाफट बना सकते हो समझ में आया तो ये सबसे पहले तो मैं सजेशन दूंगा 15 या 20, 20 10 20 रुपीज का आता है एक दिन का बड़ा पा मत करना उसके बदले ये ले लेना ओके इससे क्या होगा देखो यहाँ पर मेजरमेंट करके सर्कल नहीं बनाना है हर एक क्वेश्चन में हमको एक रफली एक सर्कल बनाना है बट वो सर्कल गोल होना चाहिए है ना नहीं तो लोग हंसते हैं पता है ना तो अभी मेरे से भी अगर गोल नहीं बना तो आप लोग हंसोगे तो फिर भी कैसे प्रैक्टिस हो गया है थोड़ा मतलब अंडे जैसा दिखेगा लेकिन गोल दिखता ही है आप लोग का सर्कल प्रॉपर होना चाहिए ओके okay. क्वेश्चन क्या देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल यानी कि सपोज यहाँ पर एक uh, सपोज एक uh, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दे सपोज दिस इज अ टेंजेंट दिस इज अ टेंजेंट ओके एंड दिस इज अदर टेंजेंट एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये है दोनों पैरल बोला इसलिए ऐसे बनाया हियर इट इज सेट दैट टू टेंजेंट आर पैरल टू ई अदर तो ये सर्कल है इसको इस साइड से पैरल एक टेंजेंट है और इसको पैरल पैरल मतलब पता है ना ऐसे होगा तो इसको पैरल ऐसे होता है ऐसे कोई लाइन है उसको पैरल लाइन ड्रॉ करना है तो ऐसे होगा दोनों का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होना चाहिए तो ये जो लाइन है इसको पैरल इस तरह से होगा अगर मैं ऐसे टेंजेंट करता हूँ तो ऐसे आएगा

फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरलेंट ये दोनों जो टेंजेंट है ये पैरल है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो कैसे करेंगे तो देखने से पता चलता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होना चाहिए 4.5 और 4.5 पॉइंट नाइन होना चाहिए साढ़े चार और साढ़े चार नाइन ओके 4.5 एंड फोर पॉइंट का डबल नाइन यानी हमको पता चल गया कि ये दोनों जो लाइन है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस का डबल होगा या डायमीटर जो है वही उसका डिस्टेंस रहेगा एंड दैट विल बी नाइन इसका आंसर आएगा नाइन बट गिवन दैट जस्टिफाई योर आंसर आंसर को जस्टिफाई करो ऐसा नहीं देख के बताओगे तो मार्क्स नहीं देंगे बाबा पूरा स्टेप बाय स्टेप बताओ जस्टिफाई करो आंसर लाओ कैसे लाया नाइन सर अभी तुम बोलोगे सर 4.5 4.5 इधर से इधर प्लस करो ना दोनों को इतना नहीं आता क्या अरे बाबा वो आता है Nine ही आंसर राइट right है लेकिन जस्टिफाई करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखो तो दो अलग अलग मेथड आपको बताऊंगा सबसे पहले एक जो हम लोगों ने अभी थियर सीखा था बताने वाला उसका यूज करेंगे देखो अभी हमने क्या सीखा था कोई भी सर्कल अगर है सो so इसके ऊपर अगर कोई टेंजेंट है इस तरह से और ये सेंटर से अगर यहाँ पर टेंजेंट के ऊपर ये रेडियस ड्रॉ किया तो रेडियस और टेंजेंट परुलर होते हैं हैंजेंट थियरम सो हियर आई कैन से दैट इफ दिस इज सेंटर

तो अगर कोई दो पैरल लाइन है उन दोनों पैरल लाइन के ऊपर किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होती है वो कोली नहीं वो स्ट्रेट लाइन होती है ओके और कोई दो पैरल लाइन के बीच का डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन से ही मिलता है तो सीधा सबसे पहले शॉर्टकट मेथड बताता था फिर लॉन्ग कट मैथड भी आपको बता दूंगा टेंशन मत लो सबसे पहले आप क्या करना यहां पर नाम वगैरह दे सकते हो सपोज इसका नाम देते हैं एल एम लाइन एल लाइन एम पैरल लाइन सपोज ये ए है और बी है और सेंटर का नाम ओ दे दिया ठीक है इस तरह से सो so, यहाँ पर गिवन गिवन दैट अभी प्रूफ करना है ना या प्रूफ करना है क्या नहीं डिस्टेंस फाइंड करना है प्रूफ नहीं करना है प्रूफ करना होगा तो गिवन टू प्रूव और प्रूफ लिखते हैं वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन डी टू पैरल लाइन सो यू विल राइट सल्यूशन ओके लाइन एल पैरल लाइन एम ओके या तो टेंजेंट एल ओके ओके वेयर 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 एंड आर टेंजेंट्स यहां पर लिखें वेयर लाइन वेयर लाइन्स एल एंड एम आर टेंजेंट एल और एम टेंजेंट है दोनों एक दूसरे को पैरल है ओके टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल एक ही सर्कल के टेंजेंट है जो पैरल है रेडियस गिवन दस रेडियस इज 4.5 सेंटीमीटर ओके नाव देर फोर ओ एज इक्वल टू ओ बीवल टू रेडियस इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यानी ये फोर पॉइंट फाइव फाइव ओके देखो यहां पर हम बताएंगे कि जो ओ ए है वो लाइन एल को पोपेंडिकुलर होगा हम लोग दिखाएंगे सेग ओ ए रेडियस को लिखा सेगमेंट लिख दिया सेग ओ एज पोपेंडिकुलर टू लाइन एल वाई कौन सा थीयर हम बताओ बाय टेंजेंट थियरम याद आ रहा है जो टेंजेंट थियरम था ना टेंजेंट थियरम क्या बोलता है कि सेंटर से जो रेडियस टेंजेंट पे आता है टचिंग पॉइंट पे वो यहाँ पर नाइन्टी डिग्री बनाता है देखो बार बार यूज होगा हाँ दूसरा ये भी तो है ओ बी इज पर्पेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट एम सो सेग ओबी इज पोपेंडिकुलर टू लाइन एम और ये दोनों का सेम रीजन है बाय टेंजेंट थियरम अभी देखो अगर मुझे इन दोनों पैरल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमको यह बताना पड़ेगा कि यह कोलिनियर है ए बी कोलिनियर है ओके okay. देखो हम ऐसे लिखेंगे देखो परपेंडिकुलर पोपेंडिकुलर ड्रॉन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर फ्रॉम अ पॉइंट टू पैरलर लाइन्स परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू पैरल लाइन्स आर कोलिनियर आर कोलिनियर ये ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं कि अगर किसी पॉइंट से किसी दो पैरलर लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोलिनियर होता है देरफोर ये जो ओ ए और ओ भी कोलिनियर होगा सेग ओ ए सेक ओ बी आर कोलिनियर ये दोनों क्या हो गए कोलिनियर दोनों क्या हो गए कोलिनियर ओके देर फोर अगर ये कोलिनियर है तो A -O -B, ऐसे लिखना A -O -B, A -O -B, इसका मतलब क्या है ए बी एक ही लाइन के ऊपर है अभी आगे अगर ये कोलिनियर है if they are collinear, then what we can say, अगर ये कोलिनियर है हम लोग बोलेंगे देर फोर ए बी जो ए बी है यहां पर हम लिखेंगे देर फोर सेग ए बी इज द सेग ए बी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सिंबल बना दिया सेग ए बी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइन्स एल एंड एम ये जो एल और एम पैरल लाइन्स है उनके बीच का डिस्टेंस ए भी होगा और ये कुल ही नहीं आ रहा एक ही लाइन में है सो so ए कैसे आ जाएगा बताओ ए कैसे आ जाएगा ए ओ प्लस या ओ ए प्लस ओ बी ओ ए प्लस ओ बी आ गया फिर ए कैसे आ गया ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी क्या ओ ए कितना है फोर पॉइंट फाइव ओ बी कितना है फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव प्लस फोर पॉइंट फाइव सो ए कितना आ गया नाइन सेंटीमीटर नाइन पॉइंट जीरो आएगा ना फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइन्टी फोर्टी वन डिजिट पे पॉइंट है समझ में आ रहा है तो नाइन पॉइंट जीरो मतलब नाइन सेंटीमीटर ये भी है बट क्वेश्चन में नाम तो दिया नहीं था क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में क्या पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल टेंजन ऑफ अ सर्कल सो आप लास्ट में लिखना आंसर डिस्टेंस बिटवीन इस तरह से पूरा फाइनल आंसर लिखना डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल टेंजन ऑफ अ सर्कल इज नाइन सेंटीमीटर हो गया देखो अभी देख के मालूम है कि ये फोर पॉइंट फाइव फाइव टोटल करो दोनों को प्लस करो ना आ गया सिंपल लेकिन जस्टिफाई योर आंसर जस्टिफाई करना पड़ेगा तो इस तरह से पहले बताना पड़ेगा कि ये कोलिनियर है ये कोलिनियर बताने के लिए हम बताएंगे कि ओ से ये ए है ना परपेंडिकुलर है टेंजेंट थियरम ओ से ये बी है ओ बी सेगमेंट भी पर्पेंडिकुलर टेंजेंट थ्योरम और एक ही पॉइंट से दो पैदल लाइन पे जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों परपेंडिकुलर कोलिनियर होते हैं एक लाइन में इसलिए ए ओ बी कोलिनियर हो गया ए डैश ओ ओ डैश बी मतलब ये कोलिनियर है अगर ये कोलिनियर है इसका मतलब क्या कि हम लोग देखो कोई भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर समझो मुझे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है ये दो लाइन है दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो मुझे एकदम सीधा सीधा ऐसे लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अब ये दो लाइन है तो मैं ऐसे डिस्टेंस नहीं मेजर करूंगा यहाँ से यहाँ सीधा मेजर करूंगा समझ में आ रहा है इसलिए दो लाइन्स पैरल है उसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगा सीधा वर्टिकल समझ में आ रहा है तो देखो ये भी है ना दो पैरल है पैरल के बीच में ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये एक ही पॉइंट से जा रहा है तो ये हो गया ये पूरा जस्टिफाई करने के लिए इतना लिखना पड़ेगा ओके अभी एक दूसरा तरीका आप देखोगे आपके डाइजेस्ट वगैरह में अलग तरीके से दिया हुआ है उसके अंदर क्या किया है अभी पहले तो इसको स्क्रीन शॉट कॉपी करो स्क्रीन शॉट ले लो लिया स्क्रीन शॉट हाँ अभी ये सेम क्वेश्चन अलग मेथड से भी है कैसे किया है देखो अभी ये मैंने समझो बता दिया आपने स्क्रीन शॉट लिया लिख लेना इतना करोगे फुल मार्क्स मिलेगा अलग दूसरा तरीका करना है तो कैसे कर सकते हो देखो यहाँ पर ये जो सेंटर है चलो यहाँ से तीसरा जो लाइन ड्रॉ करना ड्रॉ थर्ड लाइन लाइक दिस दिस इज एल एम एन तो ये कंस्ट्रक्शन में आ गया अभी देखो यहां से यहाँ ये यह 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ ये यह 90 डिग्री है ओके okay. और ये लाइन पैरल ये एन है ना इन दोनों को पैरल है तो तीनों लाइन पैरल आ गया क्या आ गया लाइन एल पैरल लाइन एम पैरल लाइन एन ये तीनों लाइन एक दूसरे को क्या आ गया पैरल आ गया तो अब देखो आपको पता है कोई भी दो लाइन पैरल होगी ट्रांसवर्सल हो गया तो ये दोनों इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है यानी 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर ये और ये मिलके कितना हो जाएगा वन एटी ये दोनों मिलके इंटीरियर एंगल है देखो ये और ये इंटीरियर एंगल तो ये दोनों मिलके वन एटी आना चाहिए तो ये ऑलरेडी नाइन्टी है तो ये कितना आ जाएगा ये भी नाइन्टी आ जाएगा ठीक है थीके? ये पॉइंट वो है समझो फिर ये नाइन्टी है और ये देखो ये क्या है लीनियर पैर एंगल लीनियर पैर एंगल क्या होता है अगर इस तरह से कुछ है तो ये दोनों लीनियर एंगल होते हैं नाइन्टी नाइन्थ में देखा था देखो इन दोनों को प्लस किया तो वन एटी आता है तो यहाँ पर ये दोनों भी ये एंगल और ये एंगल लीनियर है ये दोनों तो ये भी 180 होना चाहिए बट ये 90 है तो ये भी 90 होगा तो मिलके 180 हो गया अभी ये भी 90 ये भी नाइनटी 90, ये, 90, मतलब ये लाइन कोलिनियर है इससे क्या प्रूफ हुआ ये जो लाइन है ये कोलिनियर है ए ओ बी इज कोलिनियर डेर फोर ए डैश ओ डैश बी देर फोर ये करेंगे मतलब ये जो कोलिनियर करने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया ना कि किसी एक पॉइंट ओ से ए ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे और यहाँ से दूसरे एंजन पे परपेंडिकुलर है तो ये लाइन मैंने आपको ये देखो एक अलग से दिया है ऑलरेडी तो प्रूफ किया हुआ थियरम है ये। तो उस थियरम का यूज किया हमने तो इतना करने के बाद ये सब मैं जो करके दिखा रहा हूँ नाइन इंटीरियर एंगल दिस इज लीनियर पेयर एंगल दीज आर तो ये ऑलरेडी ये तो इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं है सीधा सीधा एक ही लाइन लिखने का कि यहां से ये यह परपेंडिकुलर है 90, यहां से से ये परपेंडिकुलर है 90, किसी एक पॉइंट दो पैरल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो होता है खलास समझे तो लंबा मेथड करने से अच्छा मैंने शॉर्ट मेथड बताया बट ये लाइन लिखना जरूरी ये लाइन नहीं लिखा तो जस्टिफिकेशन नहीं होगा अगर ये लाइन नहीं लिखना है तो फिर यह सब करके दिखाना ये इंटीरियर एंगल है नाइन्टी प्लस नाइनटी वन एटी फिर ये

इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो आराम से दस मिनट के अंदर आपको बता सकता था लेकिन मेरा एम क्या है आपको सिर्फ बताना नहीं है आपको सिखाना है वो चीज एक बार सीखोगे तो बोर्ड एग्जाम तक याद रखना है बोर्ड एग्जाम जब भी होगी तब तब तक आपको याद आना चाहिए इसलिए मैंने हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन की समझा के दिया भले दो ही क्वेश्चन किया हमने लेकिन डीप में किया सारी चीजें जो है कंसेप्ट क्लियर करते हुए बताया जैसे मैंने लिखा ऐसे ही लिखना मैं खुद बोर्ड का पेपर चेक करता हूँ ज्योमेट्री का मार्किंग स्कीम आती है स्टेप बाय स्टेप इस तरह से जो बच्चे लिखते हैं मैं खुद उनको फुल मार्क्स देता हूँ ठीक है टेंशन मत लो एकदम अच्छे से करो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजें जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीखते जाओ फुल मजा आएगा आपका चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा ये चैप्टर आपको हार्ड लगेगा ही नहीं एक लेकिन आपको करना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो उसको कम से कम एक बार समझो खुद से फिर खुद से लिखने का ट्राई करो कि खुद से आ रहा है कि नहीं नहीं आ रहा है फिर एक बार सॉल्यूशन देखो अच्छे से स्टेप्स देखो डायग्राम देखो और फिर दूसरी बार ट्राई करो जब तक खुद से नहीं आएगा तब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी फिर एग्जाम पर नहीं कर पाओगे और एक बार आपने कर दिया देखो अभी थोड़ा सा थियरम यूज़ कर रहे हैं आगे के क्वेश्चन बहुत ईजी है नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है बहुत मजा आएगा आपको ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा ठीक है मिलते हैं इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट थ्री हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसमें और भी कुछ सीरम्स हम यूज करेंगे आप क्या करो स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताते जा रहा हूं ना उन सारी चीजों को सीखते जाओ धीरे धीरे सिंपल सिंपल चीजें सीखते सीखते थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करते करते इसके अंदर तो जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है वो भी आप अच्छे से कर लोगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में